तो मैं आ चुकी हूँ आज के एक और नए वीडियो में, माई सेल्फ माई संदीप लुलवानी। और अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दीजिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आज का टॉपिक है किसी को भी अट्रैक्ट कैसे करना है। सो किसी को अट्रैक्ट करने का फर्स्ट पॉइंट ये है कि आपको जब उससे मिलना है ना तो पहले एक स्माइल देनी है। स्माइल ऐसी नहीं कि झूठी बूटी, एक सच्ची वाली स्माइल देनी है उसे, ताकि उसे लगे क्यों मुझ में इंटरेस्टेड है, मेरी बात सुनना चाहता है, जो भी। स्टार्टिंग आपको स्माइल से करनी है। दूसरी बात आती है आपकी उससे बात करने की। सो आपको बात लाइक मीडियम, मतलब आवाज़ बोलो तो मीडियम रखनी है, ना ज़्यादा ऊँची रखनी है ना ज़्यादा नीची रखनी है। आपको बात करते वक्त क्या बोल रहे हो उसका ध्यान रखना है, अच्छे से बात करनी है, ना उसमें गाली गलौज होनी चाहिए और ना ही ऐसे होनी चाहिए कि आपको उसकी बातें नहीं समझ रही है, लाइक दैट। अब बात आती है तीसरी कि आपको उससे बात करते वक्त अपने आप में कॉन्फिडेंस रखना है। अगर आप में कॉन्फिडेंस होगा तो ही उसे लगेगा कि यार आप जो उससे बात कर रहे हो या वो आपसे बात कर रहे हैं तो आप उसकी बात को सुन रहे हो, समझ रहे हो, या मतलब सुन के समझ करके आप अपना व्यू दे रहे हो। तो ये बात है, आपके अंदर अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। सो कॉन्फिडेंस रखो। अब चौथी बात आती है आपको उससे रिस्पेक्टफुली, हाँ रिस्पेक्ट भी बहुत ज़रूरी है, भले वो आपसे छोटा हो बड़ा हो आपको उसको देनी है रिस्पेक्ट। हाँ, जितनी ज़्यादा आप उसको रिस्पेक्ट दो ना उतना ज़्यादा वो आपसे अट्रैक्ट हो जाएगा या हो जाएगी, जो भी है आपको जिससे भी अट्रैक्ट करना हो। सो अब पांचवी बात आती है आपके ड्रेसिंग सेंस के ऊपर। आपको ड्रेसिंग सेंस बोल सकते हैं, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा अच्छी ड्रेस पहन लो या बहुत ज़्यादा बोल सकते हैं कि गरीबों वाली ड्रेस पहन लो, ऐसा कुछ नहीं है। या फिर ज़्यादा भड़कीली कलर की नहीं या एकदम लाइट कलर की भी ड्रेस नहीं, एकदम फॉर्मल ड्रेस पहनो। या फिर आपकी ड्रेस जो भी आप पहन रहे हो सिंपल साथी हो, लेकिन उसमें मतलब वो ड्रेस क्लीन होनी चाहिए। क्लीन से आता तो आप सामने वाले को ऐसे ही अट्रैक्ट कर लेते हो, आपका लुक भी निखर के आता है और सामने वाले। अब बात आती है सामने वाले के बात को सुनकर उसका रिप्लाई देने की। सो आपको सामने वाले की बात सुन के उसे ऐसा रिप्लाई देना है, मतलब रिप्लाई इन द सेंस ऐसे बोल सकते हैं कि सामने वाला जो कुछ भी बोलना चाहता है तो उसकी बातों को आपको ध्यान से सुनना है। ऐसे नहीं कि आप इधर देख रहे हो, उधर देख रहे हो, ऊपर देख रहे हो, नीचे देख रहे हो, या अपने हाथ हिला रहे हो, या फिर बोल सकते हो उससे नज़रों से नज़रें नहीं मिला रहे हो, तो आपको उससे नज़रों से नज़रें मिलानी है। सामने वाले की बात को समझना है, उसके हिसाब से आपको उसको रिव्यू देना है, लाइक वो आपसे सलाह ले रहा है या कुछ भी ले रहा है या आपसे जनरली बात कर रहा है। तो ये सब चीज़ें करके आप सामने वाले को अट्रैक्ट कर सकते हो। सो जो भी मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं वो सब नोट कर लीजिए, और आगे से आपको किसी भी पर्सन को अट्रैक्ट करना हो तो ये सब बातें करना बिल्कुल ना भूलें। और मैं पहली बात बता मतलब जैसे हुआ कि आपने ड्रेस तो अच्छी पहन ली, सब चीज़ें भी अच्छी करी, लेकिन लास्ट में आपने आपका बोलने का मतलब बोल सकते हैं बोलने की सेंस थोड़ी अच्छी नहीं, थोड़ी गाली गलौज निकल गई, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि आप कुछ बात करने में हिचकिचा रहे हो, तो वैसा भी नहीं करना, एकदम कॉन्फिडेंशली आपको सामने वाले से बात करनी है। हाँ, तो अब ड्रेस पे तो बात हो गई थी हमारी कि आपको ड्रेस भले सादी सीधी पहनी है लेकिन ड्रेस क्लीन होनी चाहिए। सो उसके साथ आप कुछ एसेसरीज नहीं भी पहनी तो चलेगा, लेकिन अगर कुछ एसेसरीज भी पहन रहे हो तो भी फॉर्मल रखा है, ऐसा नहीं कि ड्रेस सादी और एसेसरीज पहन ली तो हाई फाई एसेसरीज पहन ली, या फिर आप शूज़ चप्पल कुछ भी पहनते हो वो भी एकदम क्लीन होना चाहिए जो सामने वाले को आप पे अट्रैक्ट कर सके। सो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, या फिर आपको थोड़ा सा भी आइडिया मिला होगा कि सामने वाले को कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर, एंड अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अगर कुछ क्वेश्चन है, कुछ आप जानना चाहते हो और भी चीज़ें, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हो, या मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम की ID का नाम है माही संदीप लुलवानी। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। बाय एंड हैव अ नाइस डे।